अम्मा जी, अम्मा जी। अरे आओ आशा बिटिया, नमस्ते। अभी मैं सोच ही रही थी कि तुम आ रही होगी। जी बहुत मुबारक हो अम्मा जी, घर में पोती हुई है। कहाँ है रोशनी और बिटिया? अंदर है, आओ। चलिए आइए आइए। अरे आशा दीदी नमस्ते। नमस्ते। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अरे रोशनी ये तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है। हाँ दीदी प्यारी तो है। जी पर देखिए ना दीदी, कितनी छोटी सी है और सही से दूध भी नहीं पी पाती है। चिंता की कोई बात नहीं है रोशनी, मुन्नी का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होने की वजह से वो अभी कमजोर है और उसमें अभी रोगों से लड़ने की क्षमता भी समान बच्चों के हिसाब से कम है, इसीलिए उसे स्तनपान करने में भी दिक्कत हो रही है। कम वजन के बच्चों को कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होने के साथ उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि अभी उनमें शरीर का तापमान नियंत्रित करने की प्रणाली विकसित नहीं हुई होती। लेकिन उचित देखभाल और कंगारू मदर केयर द्वारा बच्चे को आसानी से मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। कंगारू मदर केयर, ये क्या होता है दीदी? कंगारू मदर केयर यानी कि KMC, 2.5 किलोग्राम से कम वजन के बच्चों की देखभाल का प्राकृतिक सरल तरीका है। अस्पताल में डॉक्टर ने KMC के सही तरीके के बारे में बताया था ना, जैसे कि इसमें माँ को अपनी त्वचा से शिशु की त्वचा को संपर्क में रखकर शिशु को बार बार स्तनपान कराते रहना होता है। इस विधि को दिन भर में ज्यादा से ज्यादा बार करना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य शिशु को KMC दे सकता है। और हाँ, KMC देने वाले को पहले अपने हाथ साबुन से अवश्य धोने चाहिए। उसके बाद आराम की मुद्रा में बैठकर अपनी छाती से कपड़े हटाकर नवजात शिशु को संभाल कर उठाकर अपनी छाती पर मेढक की मुद्रा में रखना चाहिए। शिशु सिर्फ सिर पर टोपी और पैरों में मोजे पहने हों, जिससे उसका तापमान नियंत्रित हो सके। ऊपर से कंबल या गर्म कपड़े लपेट दें और इसका ध्यान रखें कि शिशु की नाक या मुंह दबा ना हो और वो सांस ले पा रही हो। दीदी क्या KMC बच्चे के लिए जरूरी है? अगर मैं ये बच्चे को ना करा पाऊँ तो? रोशनी जब तुम KMC के फायदों को समझोगी तो खुद कम से कम 6 से 8 घंटे बिटिया को KMC दोगी। मालूम है माँ की त्वचा से चिपक कर बच्चा गर्मी प्राप्त करता है और साथ ही साथ माँ और बच्चे के बीच में भावनात्मक लगाव भी बढ़ता है। नवजात शिशु की सारी इंद्रियाँ सक्रिय हो जाती हैं, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक विकास भी तेजी से होता है। दीदी ये KMC तो किसी जादू की तरह काम करता है, मैं आज से ये शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल सही कहा रोशनी तुमने, मैं समय समय पर मुन्नी को देखने आऊंगी जब तक इसका वजन बढ़ना ना शुरू हो जाए, और साथ ही KMC देने में भी मदद कर दूंगी। मेरी प्यारी आशा दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब नवजात शिशु का वजन हो सामान्य से कम तो कंगारू मदर केयर से बच्चे का विकास हो तेज।